मैं अपनी नए फ्लैट की सैर करवाती हूँ। देखिए ये रहा डाइनिंग हॉल, यहाँ कुछ विंडो से बाहर का नज़ारा देखिए यूँ दिखता है। ये रहा डाइनिंग कम लिविंग रूम, ओके। ये देखिए एक बैल्कोनी है, ये बैल्कोनी है, नया है ना इसलिए बहुत टाइट है, ज़्यादा ही। हाँ ये देखिए ये बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। ये रहा लिविंग रूम, देखिए ये मेरा किचन जो कि महिलाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक जगह है, हम लोगों को अधिकतर समय इसी में गुजरता है। देखिए कुछ इस तरह से है, अभी तक आई नहीं हूँ, नया है बिल्कुल, पूजा वूजा होगा उसके बाद मैं अंदर आऊँगी। ये रहा कुछ सर्विस एरिया जहाँ से एसी का सर्विस वगैरह कर सकेंगे सब। हाँ ये कुछ कवर्ड है कुछ सामान वामान रखने के लिए, ये हो रहा अभी तक। ये रहा एक बेडरूम और इसमें एक कवर्ड बनवाए हैं। यहाँ से भी कुछ बाहर करने जा रहा यूँ दिखता है। हाँ ये वॉल जहाँ रंग करवाए हैं, स्विच बोर्ड वगैरह। ये रहा मेरा इस घर का एसी, कॉरिडोर की तरह चला गया, ये देखिए यूँ कॉरिडोर की तरह चला गया। कॉरिडोर जहाँ ख़त्म होता है वहाँ दाहिने और बाएं दोनों तरफ कमरा है, बेडरूम। अभी तक कुछ बनवाए नहीं है कवर्ड वगैरह, इसमें वार्डरोब कुछ बनवाए नहीं है, और खिड़की से यूँ जो बाहर का नज़ारा यूँ दिखता है। हाँ सिर्फ कलर करवाए हैं और कुछ नहीं, इसमें भी एसी। वो लोग बिल्डर मुझे एसी साथ में दिया है। हाँ ये रहा एक बाथरूम टॉयलेट, सब फिटिंग्स लगवाना है, बिल्कुल नया है। फिर हम दूसरे कमरे में चले जाते हैं। यू रहा देखिए एक खिड़की से तो यहाँ विंडो से आपको यूँ दिखता है बाहर का नज़ारा कुछ, और इसमें भी कलर करवाए हैं, सभी में कलर हो चुका है। देखिए बाहर से यूँ दिखता है, बाहर से यूँ दिखता है। इसमें बनवाना है, इसमें कवर्ड, इस जो गैप है ना इसमें थोड़ा वार्डरोब बनवाना है, ये सब काम बाकी है। इसमें भी एसी लगा हुआ, बिल्डर्स मुझे एसी के साथ फ्लैट हैंडओवर किए हैं। और ये एक और एक टॉयलेट, देखिए टॉयलेट है ये, हाँ ये पार्टीशन वाला है, उधर नहाने का वहाँ उधर का जो है ग्लास डोर है बीच में, तो वहाँ नहाने के लिए है, बाथ टॉप बाथ यहाँ पर नहाने नहाने के लिए है बना हुआ है। और ये एरिया है, ये रहा। फिर हम निकलते हैं इस कमरे से और फिर इसी तरह कॉरिडोर से
वापस निकल जाते हैं। फिर ये रहा मेरा एक कॉमन बाथरूम, देखिए हाँ ये भी कुछ इस तरह से है कॉमन बाथरूम। यूँ हाँ इसमें से कैबिनेट बना चुके हैं, मिरर भी लगवा चुके हैं और इलेक्ट्रिक का काम सब कुछ हो चुका है। अब ओके एंड ये रहा, फिर वापस हम लिविंग रूम और डाइनिंग हॉल में आ गए। और यूँ ख़त्म होता है लिविंग रूम डाइनिंग हॉल। बस इसके बाद डाइनिंग रूम जाना पड़ेगा जहाँ पर हमने एक सूटकेस बनवाए हैं। और ये बाहर की ओर मेन डोर जिसको कहते हैं, देखिए मेन डोर, यह है मेन डोर, वो दोनों हैं लिफ्ट। और इधर सब और भी है, सब फ्लैट है। यहाँ से निकलने का रास्ता है लिफ्ट से। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाल कर मेरे वीडियो देखा, थैंक यू सो मच।